स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसका ये लास्ट पार्ट है। इसमें अब से पहले हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, हमने सारा डिस्कशन कर लिया था। नाउ वी गोना लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स लाइक ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग पाउडर। ऑल दीज आर द सॉल्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट, सो वी हैव टू डिस्कस प्रिपरेशन and uses and some chemical properties of these salts. So salts में क्या होता है, salts सबसे पहले देखेंगे, these are those compounds which are formed by acids by the replacement of hydrogen in the acid by a metal, right? acid में जो hydrogen ion है उसको अगर metallic ion से replace कर दें तो वो क्या बन जाएगा, salt बन जाएगा, ठीक है। acid के अंदर अगर hydrogen ion को metallic ion replace करता है और एक आयनिक कंपाउंड बनाता है तो उस ऐसे आयनिक कंपाउंड को सॉल्ट बोलते हैं। तो और वी कैन से दैट द कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड बेस आपस में जब भी रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एक दूसरे की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रल करेंगे और जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट बनेगा। इसके साथ बाई प्रोडक्ट वाटर रिलीज होता है, लेकिन हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब है सॉल्ट से। तो सॉल्ट एक मेन प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ये याद रखना है, राइट। सॉल्ट्स जो है और स्ट्रॉन्ग एसिड के अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट आता है, ठीक है। वीक बेस वीक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो भी न्यूट्रल सॉल्ट आता है, और अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, और अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक नेचर का सॉल्ट मिलेगा। सो एग्जांपल है, व्हेन एसिड HCl रिएक्ट्स विद NaOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट गिव्स राइज टू सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, राइट। सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट। सिमिलरली व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है। यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वीक बेस है, सो जो सॉल्ट बना है वो एसिडिक सॉल्ट बना है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एसिडिक सॉल्ट आता है। सिमिलरली अगर एक वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेसिक सॉल्ट आता है। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट गिव्स राइज टू सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इट इज़ ए बेसिक सॉल्ट, राइट। सो इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स में सबसे पहले हमें कॉमन सॉल्ट की बात करनी है, जिसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। यह है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है। इसका प्रिपरेशन देखेंगे तो इसका प्रिपरेशन वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH इट गिव्स राइज टू सोडियम क्लोराइड एंड वाटर अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। सो दिस इज द प्रिपरेशन एंड यूजेस क्या है। कॉमन सॉल्ट एडिबल होता है, फूड प्रोडक्ट्स में यूज होता है। तो एडिबल डायरेक्ट एडिबल नहीं होता, इसको पहले रिफाइन करते हैं, रिफाइनिंग के बाद ये एडिबल फॉर्म में आता है। तो कॉमन सॉल्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में यूज होता है। कॉमन सॉल्ट इज़ यूज टू मेल्ट आइस कलेक्टेड ऑन रोड्स, ठीक है। विंटर सीजन में जो रोड्स पे आइस कलेक्ट हो जाती है उसको मेल्ट करने के लिए कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, राइट। कॉमन सॉल्ट इज़ यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनको बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए तो सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व करके इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे क्लोरअल्कली प्रोसेस कहते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसे होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन कॉमन सॉल्ट से कैसे करते हैं, जब ब्राइन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। ब्राइन क्या है, सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, सॉल्ट और वाटर को मिक्स करेंगे, जो नमक का पानी बनेगा, ठीक है, वो एक्वस होगा क्योंकि उसके अंदर आयन होंगे सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन। तो एक्वस सॉल्यूशन में ब्राइन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रिएक्शन ये है, द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस इज 2NaCl व्हेन रिएक्ट्स विद 2H2O इट इज़ वाटर देन इट गिव्स राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन। सो ये ब्राइन है वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, राइट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, तो आप एरो के ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इस एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से हमें क्या मिलता है, ये तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे जो क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है इस क्लोरीन गैस की वजह से, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है
इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। इसे क्लोर एल्कली नाम दिया गया। एल्कली इज़ लिक्विड बेस या वाटर सॉल्यूबल बेस। वाटर सॉल्यूबल बेस को हम एल्कली बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में हमें मिलेगा और क्लोरीन गैस रिलीज होगी, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट। तो नेक्स्ट थिंग इज़ ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज़ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पर्पजेज। वॉट इज़ दिस CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका मॉलिक्यूलर नेम है एंड CaOCl2 इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। कॉमन नेम या जनरल नेम इसका ब्लीचिंग पाउडर है। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? जब ड्राई स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस को जब हम क्लोरीन गैस के साथ ट्रीट करते हैं, यानी क्लोरीन गैस जब पास कराते हैं किसके अंदर, CaOH होल ट्वाइस के अंदर ड्राई स्लैग्ड लाइम में, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। तो ये क्लोरीन का रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर अलॉन्ग विद अ बाई प्रोडक्ट विच इज़ वाटर। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ब्लीचिंग पाउडर की? ये एक वाइट पाउडर है और एक स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन की, मतलब महक आती है क्लोरीन की। क्लोरीन की महक पानी में से भी आती है, जब हम पानी पीते हैं कभी कभी क्लोरीन का की स्मेल आती है। तो वो क्यों आती है? क्योंकि ये ब्लीचिंग पाउडर, यही CaOCl2 इसकी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की टैबलेट्स ही डालते हैं वाटर में, राइट। तो ये वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से, जिससे हम क्लोरीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन रिलीज होगी अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो CaOCl2 व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इट गिव्स राइज टू कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड क्लोरीन गैस अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ अलॉन्ग द प्रिपरेशन ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस ऑल्सो। सो यूजेस क्या क्या हैं? यूजेस में देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है कॉटन और लाइनिन में को ब्लीच करने के लिए, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम डी कलरिंग ऑफ टेक्सटाइल को या डी कलरिंग ऑफ फाइबर्स के लिए हम ये ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर किस लिए यूज़ करते हैं? पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि CaOCl2 में ऑक्सीजन क्या है? CaOCl2 में ऑक्सीजन हमारे पास, ये ऑक्सीजन एटम जो प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन एटम ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ होता है। तो इट एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और डिसइनफेक्टेंट की तरह काम करता है। ड्रिंकिंग वाटर में डिसइनफेक्टेंट मतलब जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट में हम लास्ट में डिसइनफेक्ट करते हैं वाटर को, जब वो फिल्टर हो जाता है। फिल्ट्रेशन के बाद हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से वाटर का क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं ताकि जर्म्स को हम किल कर सकें, जर्म फ्री बनाने के लिए उसको, राइट। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? जब ब्राइन को, वही सॉल्यूशन होता है वाटर का, ब्राइन ना वाटर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन, तो ब्राइन को कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करेंगे और अमोनिया से करेंगे, मतलब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस जब नमक के पानी के साथ यानी ब्राइन सॉल्यूशन के साथ हम पास कराते हैं तो क्या होता है? ये फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये क्या है? बेकिंग सोडा है। और अमोनियम क्लोराइड एक सबलाइम सॉल्ट है, मतलब सब्लिमेशन शो करता है अमोनियम क्लोराइड NaNH4Cl, राइट। तो ये NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये दो प्रोडक्ट्स जब बनते हैं, जब हम ब्राइन सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास करा दें, तो हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा वो फॉर्म हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कि वाइट क्रिस्टल की फॉर्म में होता है और जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, राइट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट माइल्ड बेस है और नॉन करोजिव है, करोजन नहीं होता, माइल्ड बेस है, राइट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? एंटासिड की तरह यूज़ कर सकते हैं हम, ये एडिबल भी होता है, राइट, बेकिंग सोडा होता है। एक्शन अपॉन हीटिंग, जब हम हीट करेंगे तब क्या होगा? जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम हीट करते हैं तो एक तरीके से ये क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट होकर वाटर वेपराइज हो जाता है इसका और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देता है और
क्या बनाता है, डिहाइड्रेट होने के बाद सोडियम कार्बोनेट बनाता है, हीट हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। सो ये प्रॉपर्टीज़ हुई। और उसके बाद यूजेस में देखेंगे किस लिए यूज़ होता है, एंटासिड की तरह यूज़ हो सकता है मेडिसिन में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ होता है फूड फैक्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में यानी केक वगैरह बनाने में, और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है। वो जो ड्राई केमिकल पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, DCP बेस्ड ड्राई केमिकल पाउडर जो होता है वो यही होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। पाउडर बेस्ड वाटर बेस्ड भी होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स फोम बेस्ड भी होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड भी होते हैं, लेकिन जो DCP बेस्ड होते हैं यानी ड्राई केमिकल पाउडर बेस्ड, वो ड्राई केमिकल पाउडर बेस्ड जो होते हैं उसमें ड्राई केमिकल पाउडर यही होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। प्रिपरेशन में कब कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर कॉमन सॉल्ट से प्रिपेयर करना है तो तीन प्रोसेस आएंगे, तीन रिएक्शन आएंगे, मतलब तीन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे। पहले अगर सोडियम क्लोराइड से करना है, मतलब बेकिंग कॉमन सॉल्ट से करना है, तो पहले ब्राइन में हम क्या करेंगे, ब्राइन को हम वाटर में ब्राइन सॉल्यूशन बनाएंगे, वाटर मिक्स करके सोडियम क्लोराइड को और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को पास कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पहले मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करके क्या करेंगे, हम डिहाइड्रेट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। फिर उस सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट, राइट, ठीक, इवापोरेट हो गया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर जब ऐड करेंगे तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हाइड्रेशन के इसके साथ ऐड हो जाते हैं और इसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं, रिक्रिस्टलाइज, ठीक है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज टू गेट वॉशिंग सोडा कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये है, यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें ऐड होकर रिक्रिस्टलाइज कर देंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बना देंगे। सो दिस इज़ वॉट आर रिक्वायर्ड सॉल्ट इज, दिस इज आर रिक्वायर्ड सॉल्ट वॉशिंग सोडा, राइट, Na2CO3.10H2O। प्रॉपर्टीज देखेंगे वॉशिंग सोडा की, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और वाटर सॉल्यूबल होता है, पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू शोइंग इट्स अल्कलाइन नेचर। रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस में ब्लू कलर में चेंज करेगा, इससे क्या पता चलेगा बेसिक नेचर है या अल्कलाइन नेचर है इसका। और डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है, क्लीनजिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, डिटर्जेंट में डलता है ये, राइट, तो डिटर्जेंट इससे ही बनते हैं बेसिकली, ठीक है। यूज़ में देखेंगे, वॉशिंग सोडा इज़ यूज एज ए क्लीनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज लाइक वॉशिंग क्लोथ्स। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने में काम आता है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है वाटर की, और क्या करता है, ग्लास और सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। और कहाँ यूज़ होता है, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर बोरेक्स, बोरेक्स बनाने के यूज़ होता है। बोरेक्स एक पाउडर है, कैरम बोर्ड वगैरह पर डाल के हम खेलते हैं, तो क्या करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करने काम करता है। बोरेक्स हम बनाते हैं किससे, सोडियम कार्बोनेट से, राइट। POP क्या होता है, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। POP की फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये मॉलिक्यूलर या केमिकल नेम हुआ, और मॉलिक्यूलर या केमिकल फार्मूला हुआ CaSO4.12H2O। तो CaSO4.12H2O ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, हेमी मतलब हाफ, राइट। प्रिपरेशन कैसे होता है, मतलब जब हम जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन पे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है जिप्सम, जिप्सम को ही गर्म कर देंगे तो 1.5H2O मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे या वेपोराइज हो जाएंगे, राइट, 100 डिग्री पे वेपोराइज होंगे, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, 100 डिग्री पे वाटर वेपोराइज हो जाएगा, तो CaSO4.5H2O जो है वो बचेगा डिहाइड्रेट होने के बाद, तो ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही बचता है हाइड्रेशन का सिर्फ, तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। मतलब जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं जिप्सम को हीट करके 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो ये एक वाइट पाउडर फॉर्म में होता है और हार्ड हो जाता है जब गीला करते हैं पानी से, पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाने के बाद सूखता है तो ये हार्ड हो जाता है, राइट, स्टोन टाइप का हो जाता है, पत्थर की तरह जम जाता है, सीमेंट टाइप का की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। यूजेस में देखो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जब हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको सीधा करने के लिए बोन को
क्या करते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं, पीओपी लगाते हैं उसके ऊपर। तो प्लास्टर जो होता है फ्रैक्चर्ड बोन पे, वो पीओपी से होता है, राइट। और टॉय बनाने के लिए काम आता है, आइडल बनते हैं इसके, और फायर प्रूफिंग मटेरियल है बहुत अच्छा, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आता है। तो ये दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ पीओपी। तो ये हमने चार इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है, जिसमें हमने उनके पांच इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें हमने उनके कॉमन नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, प्रिपरेशन, यूजेस, प्रॉपर्टीज़, इनको देखा है। तो ये सभी चीज़ें अलग अलग सॉल्ट्स की हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। हम क्वेश्चन इनमें से किसी पे भी आ सकता है, सिर्फ प्रिपरेशन रिएक्शन पूछ सकता है, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो किसी की भी प्रिपरेशन पूछ सकता है, किसी के भी यूज़ पूछ सकता है, किसी की भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो इनसे आपको नोट्स की नोटबुक में नोट्स बना लेने, एंड दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, आई थिंक इट्स क्लियर इनफ नाउ, एंड विल डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट क्लास, विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे।